हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बाल मनोविज्ञान का परिचय देखा था। बाल मनोविज्ञान क्या होता है, इसका प्रयोगशाला कहाँ है, ये कब अस्तित्व में आया, ये सारी बातें हम देख लिए थे। बाल मनोविज्ञान पढ़ने का उद्देश्य क्या है, एज अ हॉस्टल वार्डन क्यों आपके विषय में इसे शामिल किया गया है, ये सारी चीज़ें हम पार्ट वन में देख चुके थे। आज हम बाल मनोविज्ञान का दूसरा पार्ट देखेंगे, आज ये आपका दूसरा लेक्चर होगा। तो कल हमने जैसा कि देखा था कि बाल मनोविज्ञान होता क्या है, इसको पढ़ने के उद्देश्य क्या है, तो आज हम समझेंगे कि बाल मनोविज्ञान का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले पॉइंट से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि जो आपका बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो क्या करता है, एजुकेशन में इंटरेस्ट लाता है। कैसे इंटरेस्ट लाता है तो आप समझिएगा, बाल मनोविज्ञान क्या करता है, किसी भी बच्चे की समस्या को समझने में मदद करता है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में देखा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कल हमने देखा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का पिता थार्नडाइक को कहा जाता है, जो कौन है, एक मनोवैज्ञानिक है। तो इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का श्रेय जाता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बच्चों की शिक्षा हेतु डीप स्टडी किया था, गहन अध्ययन किया था। क्यों अध्ययन किया था, ताकि हम बच्चों को शिक्षा का अध्ययन करते वक्त या शिक्षण कराते वक्त जो भी परेशानी या दिक्कतें आती हैं उनका हम समाधान निकाल सकें। तो हमारा जो चाइल्ड साइकोलॉजी, वो एजुकेशन में ऐसे मदद करता है कि जब आपको पता होगा कि बच्चे को आखिर समस्या क्या है, ऐसे क्या कारण है जिसके कारण बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, तो वो सारी कारणों को आप जानने में कैसे करेंगे, हेल्प करेंगे, किसके जरिए, चाइल्ड साइकोलॉजी के जरिए। आप एक एक के उदाहरण से समझिए, आप इमेज द्वारा समझने का प्रयास करिएगा कि जो हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी है वो बच्चे को पढ़ने के लिए क्या करता है, इंटरेस्टेड बनाता है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर एक इमेज दिया है, ये एक टीचर है, ये क्या कर रही है, बच्चे पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों, देखिए आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हम लोग पिछले बार सॉल्व कर रहे थे, आप क्वेश्चन भी देखते चलेंगे कि बच्चा पढ़ने में क्या नहीं होता, रुचि नहीं लेता। तो इसकी गलती हमारी है, ना कि बच्चों की। क्यों, क्योंकि हम बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाई को एक बोझ बना कर रखे, हम बच्चों पर पढ़ाई को थोपते हैं, उन्हें याद कराते हैं, जबकि हमें क्या बनाना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझते हुए उनकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। एक इमेज के द्वारा समझिएगा, ये वे सारे बच्चे हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, जो पढ़ाई नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन एक टीचर जो क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझती है, जानती है, वो जानती है कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, उसे रुचिकर बनाना होगा, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना होगा। कैसे करना होगा, ऐसे पैदा करना होगा कि बच्चे को पढ़ाई पढ़ाई ना लगे, बोझ ना लगे, बल्कि खेल लगे। तो मैडम क्या कर रही है, ये खेल के माध्यम से बच्चों को अंक सिखा रही है, गिनती सिखा रही है, संख्या का ज्ञान करा रही है। तो ये एक तरीका हो गया, इससे क्या हो रहा है कि हम बच्चों को उनके एजुकेशन में हेल्प कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर हमें बच्चों को प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है, समझाना है, तो उन्हें हम किताबों से दूर, बल्कि क्या करें, उन्हें हम क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएं, उन्हें एक ये कर सकते हैं कि उन्हें एक आप पौधा दे दें, उस पौधे को देखभाल करने के लिए दे दें, तो बच्चा क्या करेगा, उस पौधे का बच्चे की तरह देखभाल करेगा, समझेगा, वो उसे प्यार करेगा, बच्चा समझेगा कि एक पौधे को भी पानी की जरूरत होती है, सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, मिट्टी की जरूरत होती है, वो सारे पोषक तत्व के इंपॉर्टेंस को समझेगा, वो खुद से खुद सवाल करेगा कि आखिर ये पत्ती का रंग हरा क्यों होता है। तो बच्चा क्या होगा, ये रियल लाइफ में चीज़ों को जिएगा, मीन्स कि बच्चा वास्तविक चीज़ों से समझेगा, अब वो किताबों से दूर हो जाएगा, वो बच्चा जो होता है ना गतिविधियों के माध्यम से, आप लोग आगे देखेंगे कि जो बच्चा होता है ना गतिविधियों के माध्यम से सबसे अधिक सीखता है। तो इसीलिए जो आपका बाल मनोविज्ञान है वो गतिविधियों पर अधिक जोर देता है कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करें या शिक्षण देने का प्रयास करें। तो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कर रहा है, हमें बच्चों को पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो भी समस्या है उनका समाधान दे रहा है। अब उस समाधान के जरिए ही हम क्या कर रहे हैं, ये सब प्रयोग कर रहे हैं, हम बच्चे को पौधा दे दे रहे हैं और उन्हें क्या कर रहे हैं, देखभाल करने को दे रहे हैं। इससे बच्चों में प्लांट्स का जो कॉन्सेप्ट होगा वो तो क्लियर होगा ही, साथ ही बच्चा इनके बारे में हर चीज़ जानने लगेगा और उसमें जो पौधों के प्रति एक जो आकर्षण होगा, जो लगाव होगा, वो भी देखने को मिलेगा, वो अपने इन्वायरमेंट के प्रति क्या होगा, एक्टिव होगा। तो ये कारण है। आगे देखते हैं,
अगर आप बच्चे को क्या पढ़ाना चाहते हैं, अब मान लीजिए आपको बच्चों को सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाना है, तो सोलर सिस्टम पढ़ाने के लिए आपको बच्चों को किताब में रटने के लिए आप मत बोलिए कि आप 9 ग्रह होते हैं, 8 ग्रह जिसमें एक ग्रह को बाहर कर दिया गया है, जो हमारा धरती है उसे क्या कहा जाता है, जीवन ग्रह कहा जाता है, लाइव आपका प्लैनेट होता है, साथ ही सूरज के बारे में आप बता रहे हैं, आप बुध के बारे में बता रहे हैं, आप शनि के बारे में बता रहे हैं, तो आप इन्हें ना किताबों से हटकर बल्कि क्या करें, आप बच्चों को एक मॉडल दे सकते हैं कि आप लोगों को इस तरह का मॉडल बनाना है। आप मॉडल के जरिए बता सकते हैं कि ये हमारे सेंटर में क्या है, आपका सूरज है, फिर यहाँ से आप इनका डिस्टेंस बता सकते हैं, आप शनि के बारे में बता सकते हैं, आप ये सारे प्लैनेट्स के बारे में मॉडल के जरिए बता सकते हैं, आप सोलर सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। बच्चा क्या करेगा, खुद से उसे चीज़ों को बनाएगा, उसे समझ में आएगा कि अच्छा शनि में इस तरह की चीज़ें होती हैं, बुध छोटा होता है, पृथ्वी को क्यों हम जीवन का ग्रह कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चा समझेगा तो कदापि बच्चे को पढ़ाई क्या नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा। तो हमारा जो बाल मनोविज्ञान क्या है, वो चीज़ों को स्पष्ट कराता है, किन चीज़ों को, अगर शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं तो बच्चे को क्या समस्या हो रही है वो हमें स्पष्ट कराता है। अब इन सब विधि का आप प्रयोग करेंगे तो बच्चा निश्चित तौर पर शिक्षा से दूर नहीं भागेगा। तो ये तरीके हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए और आपके मित्रों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हॉस्टल वार्डन जिसकी तैयारी आप सभी कर रहे हैं और जो तैयारी नहीं किए हैं वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं हमारे कंपटीशन कम्युनिटी के साथ जुड़कर। हमारा जो बैच है वो हाल ही में प्रारंभ हुआ है और ये कंटिन्यू चल रहा है। हमारा कंपटीशन कम्युनिटी आप लोगों के लिए CGPSC का नया बैच ठीक आपके गांधी चौक में 19 जुलाई को प्रारंभ कर रहा है, जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही स्टार्टिंग के जो 50 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर होगा, तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही महिला पर्यवेक्षक जो अपने आप में महिलाओं के लिए एक प्रतिष्ठित पोस्ट है और इसकी संख्या 1750 है, इसकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं जो हमारे गांधी चौक में 10 जुलाई को प्रारंभ हो रहा है। मंगला चौक में भी आप ये क्लास देख सकते हैं, मंगला चौक और गांधी चौक दोनों में ही आपकी कक्षाएं चलेंगी, साथ ही ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन भी देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है क्या हो सकता है, बच्चों में इथिक्स को डेवलप करने का? तो सबसे पहले लिखा है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। क्वेश्चन से भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर आपसे रिपीट कर रही हूँ कि आपका चाइल्ड साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रट नहीं सकते। आप इसे जितना ज़्यादा डेली लाइफ में जिएंगे, महसूस करेंगे, समझेंगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। आप इसे रट नहीं सकते क्योंकि ये आपका व्यवहारिक विषय है। देखिए पहला ऑप्शन है आपका उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। तो क्या धार्मिक पुस्तक पढ़ाने से उसमें नैतिकता का विकास हो जाएगा? बिल्कुल गलत बात है, गलत। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना सही है। अगर एक शिक्षक आदर्श के रूप में होगा तो बच्चा उनसे सीखेगा, तो ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। अगर किसी भी बच्चे का मूल्यांकन करना है तो क्या सिर्फ आप उनके शिक्षा पे ही कर सकते हैं, शिक्षा के बेस पे? बच्चा बाकी चीजों में एक्सपर्ट नहीं होता है क्या? तो ये तो गलत बात है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी जो है ना, आपका बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास है, वो बच्चों के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाता है। अगर आप एग्जाम में कोई भी निगेटिव चीजें मिले तो आप उन्हें क्रॉस कर दीजिए। वो हमेशा चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, बाल केंद्रित होता है, बच्चों पर केंद्रित होता है, बच्चों की बात करता है। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। आप उनको सभा में उपदेश देंगे, मोटिवेट करेंगे तो बच्चा क्या उसमें नैतिकता आ जाएगी? नहीं। बच्चों को हमें क्या करना होगा, उन्हें गतिविधियां करानी होगी, उन्हें महसूस कराना होगा, उन्हें डेली लाइफ में जो चीज़ें होती हैं रियलिटी को दिखाना होगा, तो ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन क्या है, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ये आपका बिल्कुल सही है। जो सबसे पॉजिटिव आंसर होगा, जो आपको दिखेगा वही इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चाइल्ड साइकोलॉजी में यहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आपको आप क्लास अटेंड करिए, डेली जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उनको सॉल्व करते जाइएगा। आप लोगों का टोटल लगभग शायद 20 से
25 क्लास होगा, इतना में आपका चाइल्ड साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा और 10 में 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो निस्फिकर होकर पढ़िए, यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। चलिए, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, हम शिक्षा करते हैं, शिक्षा का जो मेन मोटिव है वो क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है आजीविका कमाना। क्या हम आजीविका कमाने के लिए कर रहे हैं? हाँ, हमारी लाइफ का रियलिटी ये है कि आजकल जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो जॉब के लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। हमारा जो बाल मनोविज्ञान है वो ये मानता है कि हम बच्चों का संपूर्ण विकास कर सके, हर तरह का, चाहे उसमें नैतिकता का विकास हो, समाज का विकास हो, संस्कृति का विकास हो, है ना, और भी जितने भी विकास है, ये सारे मतलब संपूर्ण विकास, चाहे वो मानसिक हो, चाहे जैसा भी डेवलपमेंट हो, नैतिकता को, हर तरह का जो विकास है वो संपूर्ण विकास के अंतर्गत आता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास, ये देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, सर्वांगीण विकास, तो बिल्कुल ये तो सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम। आजीविका कमाना, तो ये तो गलत है, सिर्फ आप लोग आजीविका कमाने के लिए पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक। अगला, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ये तो सही है। पढ़ना एवं लिखना सिखाना, सिर्फ क्या इसी के लिए हम लोग बच्चों को शिक्षा कराते हैं कि वो सिर्फ पढ़ लिख ले, उसके अलावा क्या कोई उद्देश्य नहीं है शिक्षा का? तो ये तो गलत बात है। अगला है बौद्धिक विकास, बिल्कुल बौद्धिक विकास भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है बच्चे का सर्वांगीण विकास और डी दिया है बौद्धिक विकास, तो इन दोनों में से जो क्या है, बौद्धिक विकास तो आपका एक बिंदु हो गया, लेकिन सर्वांगीण विकास में क्या होता है, मानसिक विकास भी आता है, शारीरिक भी आता है, नैतिक भी आता है, सामाजिक भी आता है, आर्थिक भी आता है, संज्ञानात्मक हर तरह का डेवलपमेंट आता है, तो सर्वांगीण आपका क्या होगा, बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, आंसर आप लोग कमेंट करते रहिएगा, क्या होगा बताइए शिक्षा का उद्देश्य। आप जितना ज्यादा बोलने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी उतना ही अच्छे से आप लोगों का होगा, आपके रटने से कुछ नहीं होगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, क्या ये आंसर सही होगा? नहीं, व्यावसायिक कुशलता का विकास करने के लिए शिक्षा नहीं किया जाता या शिक्षा नहीं दिया जाता, ये गलत बात है। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, हाँ ये सही है। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए क्या उन्हें पढ़ाया जाता है, इतना मेहनत कराया जाता है, इसलिए उन्हें शिक्षा दिया जाता है क्या? नहीं, ये गलत है। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, बिल्कुल सही है। व्यवहारिक जीवन का मतलब होता है कि डेली लाइफ में आप जो भी चीजें क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जो भी समस्याएं आ रही है उनका समाधान निकाल रहे हैं, हर परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, आपका व्यवहारिक जीवन होता है। व्यवहारिक जीवन क्या करता है, हमें रियल लाइफ में जोड़ता है, रियलिटी को दिखाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था आपको कि अगर आपको किसी बच्चे को पौधे का कॉन्सेप्ट समझाना है तो आप बच्चे को एक छोटा सा पौधा दे दे या बीज दे दे और उस बच्चे को उसकी देखभाल करने के लिए बोलिए, ऑटोमेटिक बच्चा उस चीज से जुड़ जाएगा, फिर वो उसके इंपॉर्टेंस को समझेगा। तो ये है व्यवहारिक ज्ञान, तो बिल्कुल सही। सामाजिक क्या है, आपका एक तरफा बिंदु हो गया, लेकिन जो आपका व्यवहारिक है वो कंप्लीट ऑल ओवर सबको कवर कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आपका डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु, ध्यान दीजिएगा, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किस चीज की आवश्यकता होती है, बताइएगा। ऑप्शन ए, अन्य बच्चों के साथ तुलना करना, क्या बच्चों के साथ जो अन्य जो बच्चे होंगे जो क्लास में टॉप करेंगे, जो ज्यादा नंबर लाएंगे, और जो बच्चा कम नंबर आएगा, उन दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे, क्या ये क्या सही होगा? नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बच्चे को प्रेरित करेंगे, बिल्कुल आप बच्चे को किसी चीज के लिए प्रोत्साहित, अगर बच्चा बार बार गलती कर रहे हैं फिर भी आप बच्चे को समझा रहे कि नहीं तुम कर लोगे, हो जाएगा, तो बच्चा क्या होगा, कोशिश करेगा। और वाकई में बच्चों से होता है, अगर आप बच्चों को जितना ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे ना, वो 10 बार गलती करेगा लेकिन 11वीं बार वो क्या करेगा, सही करेगा। तो आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रोत्साहित करें, तो ये आंसर क्या आपका, सही है। चलिए, बच्चे को डांटने, क्या बच्चे को डांटने से बच्चा सीख जाएगा? नहीं, आप बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। बच्चे को नियंत्रण, आप कंट्रोल, ये सब निगेटिव वर्ड है, नियंत्रण रखना और रटना, डांटना, अनुशासन दिखाना, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। एक चीज का ध्यान रखिएगा
क्योंकि आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर आप एज अ हॉस्टल वार्डन हैं, हॉस्टल वार्डन भी क्या होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आप बच्चों को समझ सके, मैंने कल ये बात कहा था, आप बच्चों को समझ सके, इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजी को ऐड किया गया है आपके विषय में। तो अगर बच्चा क्या होता है, अगर वो एक बात होती है कि अगर बच्चा शिशु अवस्था में मतलब कि छोटा सा बच्चा है, वो अगर आपका 0 से 5 वर्ष का है, 5 वर्ष तक का बच्चा है, तो आप उसके साथ क्या रहिए, एकदम लाड प्यार से रहिए, एकदम प्यार से, ठीक। जैसे ही बच्चा क्या होता है 6 से 12 वर्ष की उम्र में आता है, तो आप बच्चों के साथ कैसे रहिएगा, आप बच्चों के साथ अनुशासन, वैसे यहाँ पर साक्षात इसके लिए मना किया जाता है, यहाँ पर अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप उस पर जबरदस्ती कोई चीज थोप रहे हैं, यहाँ पर 6 से 12 वर्ष में बच्चों के साथ आप स्ट्रिक्टली रहिए, मतलब उन्हें सही और गलत में फर्क बताइए, उन्हें अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उन्हें बार बार प्रोत्साहित करिए, समझाइए उन्हें, उनकी गलतियों का एहसास करा के उन्हें सही मार्ग दिखाइए, उन्हें सही रास्ता दिखाइए। तो ये 6 से 12 वर्ष का होता है, तो 6 से 12 वर्ष, इसमें 0 से 5 वर्ष में आप बच्चों के साथ लाड प्यार से रहिए, जो 6 से 12 वर्ष होता है उसमें आप बच्चों के साथ थोड़ा सा कड़क हो जाइए, कड़क ऐसा कि बच्चा सीख सके, ना कि बच्चा डरा और सहमा हो। उसके बाद जैसे ही बच्चा 12 प्लस होता है और 21 वर्ष, इन ये क्या होती है, आपकी किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है 12 वर्ष के बाद, तो आप इस समय बच्चों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जब बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करता है, बहुत ज़्यादा उसकी दुनिया अलग हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई नहीं समझता, तो इस स्टेज में आपको बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। तो ये क्या होता है, हमें बाल मनोविज्ञान समझाता है कि इसके माध्यम से हम बच्चों को क्या कर सकते हैं और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, और बाल मनोविज्ञान कहता है कि हम बच्चों को जितना ही समझेंगे और जितना ही ज़्यादा उन्हें हम जानेंगे, उतना ही हम उनका क्या कर सकेंगे, बेहतर विकास कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, यह आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेल्प्स इन, चलिए पहला क्या हो गया कि आपका जो चाइल्ड साइकोलॉजी वो किस में हेल्प करता है, आपका एजुकेशन में हेल्प करता है। दूसरा किस में हेल्प करता है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, तो आपका जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग टू बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के बिहेवियर को समझने में चाइल्ड साइकोलॉजी क्या करता है, बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है, बहुत यूजफुल होता है। वास्तव में बात ऐसी रही कि पहले चाइल्ड साइकोलॉजी नाम का कोई विषय नहीं था, ठीक, चाइल्ड साइकोलॉजी नाम का विषय नहीं था, कोई नहीं जानता था कि आखिर बच्चों को समस्याएं क्यों हो रही, बच्चे कैसा महसूस करे, तो कई ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हम बच्चों के बारे में भी एक अध्ययन कर सकते हैं, हम जानने का प्रयास कर सकते हैं कि आखिर बच्चों में किस भावना से होकर गुजरते हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिससे बच्चा क्या करता है, तनाव महसूस करता है, दुखी रहता है, कई कई बच्चे गुमसुम रहते हैं, कई कई बच्चे बहुत खुश रहते हैं और कोई नॉर्मल नहीं रहता। तो ये सबके लिए स्टार्टिंग में ये हमने देखा था कि 1900 में क्या आया आपका, शिक्षा मनोविज्ञान आया था, इसे हम समझ रहे थे, तो यही है। अब बच्चा क्या कर रहा है, हमारा जो चाइल्ड साइकोलॉजी, जो बाल मनोविज्ञान है, किसी भी बालक के बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है। कोई बच्चा दुखी क्यों है, उसका मन उदास क्यों है, दुखी उदास एक ही है, यहाँ पर बच्चे गुमसुम रहते हैं ना, ये उसी फेस को दर्शा रहा है। कोई बच्चा खुश क्यों इतना डिफरेंस है, ये सारी चीज़ों को समझने में चाइल्ड साइकोलॉजी हमारी हेल्प करता है। कैसे, इमेज के द्वारा समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए यहाँ पर कई बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो ऐसे बहुत उदास रहते हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं, गुमसुम रहते हैं, उसका सबसे ज़्यादा जो रोल है, जो सबसे ज़्यादा जो जिसकी भूमिका है कह सकते हैं, फैमिली का होता है। फैमिली का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो तो या तो बच्चे को बना देगा या तो तोड़ देगा। आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। फैमिली का मतलब सिर्फ घर से नहीं है, बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिन लोगों के साथ रह रहा है, वही उसकी फैमिली है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है। तो यही कारण है कि ये बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं समझा जा रहा है, जो अपनी बातें खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, जिनको ये ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी कोई जानता ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर बच्चे ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, ना कोई इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए। तो यही कारण है कि बच्चे इस तरह, आप केसेस देखते होंगे कि कई सारे छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो ये बहुत सारी बहुत दिक्कतें हैं, तो ये यही कारण है इसका। अगला क्या है,
ये इमेज क्या दर्शा रहा है? फैमिली, आपस में आप घर में जो लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मारपीट करते हैं ना, उस पे बच्चे के ब्रेन पर बहुत बुरा असर करता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप घर पे भी हैं, अगर आप भविष्य में हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो भी आपकी फैमिली होती है, तो आप लोग कोशिश करिए कि बच्चे के सामने आप इस तरह का काम ना करें जिससे इस पर बुरा असर पड़े, बल्कि आप बच्चे को बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट देने की कोशिश करें, ताकि बच्चा क्या हो, पॉजिटिव उसका डेवलपमेंट हो। घर के इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है। यहीं पर एक बच्चा ऐसा है जिसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है। अच्छा, ये क्या है, कोई मुझे बताएगा? ये आपका अबेकस है। अबेकस जो पहला कंप्यूटर था जिसके माध्यम से गणना किया गया था, ये हमारा पहला कंप्यूटर था। तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है वो किसी भी बच्चे को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। अब आप हम दोनों में अंतर देखिए, एक ये बच्ची है जो परेशान है, चिड़चिड़ा रही है, दुखी हो रही, एक ये बच्चा है जो फोकस कर पा रहा है, आगे बढ़ पा रहा है। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी बच्चों में। तो चाइल्ड साइकोलॉजी को इसीलिए पढ़ा जाता है, ताकि हम समझ सकें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, पॉजिटिव वे पे भी और निगेटिव वे पे भी। चलिए, ये भी वही चीज को दर्शा रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने एक बात कहा आप लोगों से कि आप 0 से 5 वर्ष में बच्चों के साथ कैसे रहेंगे, 0 से 5 वर्ष में लाड प्यार से रहिए। 6 से जो आपका 12 वर्ष है उसमें आप बच्चों के साथ थोड़ा क्या हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट मत होइए कि बच्चा अपनी मन की बात ही ना कह सके। उसके साथ बहुत सारे गलत काम भी हो जाते हैं, मैक्सिमम लड़कियों के साथ ये चीज़ होता है। घर का जो इन्वायरमेंट होता है ना, इतना कड़क होता है कि उसके साथ कभी कभी कम उम्र में ही बहुत सारे ऐसे गलत कृत्य किए जाते हैं, गलत काम किए जाते हैं, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाती। तो यही कारण है, इसीलिए आपको घर का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि बच्चा हर चीज़ आपसे खुल कर कह सके, यही उद्देश्य है। आप हॉस्टल वार्डन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको वार्डन के लिए ही ये चीज़ किया जा रहा है। आप वार्डन हैं, हॉस्टल वार्डन हैं, इसका मतलब ये है कि आप सारे बच्चों को समझें, इवन आपके घर के बच्चे हो। आप सिर्फ बच्चों को ही नहीं, चाइल्ड साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, जब छोटे से बच्चे से लेकर हम उसके पूरे डेवलपमेंट तक, जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक हम अध्ययन करते हैं। हस्बैंड हो, वाइफ हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, आपके सिस्टर हो, ब्रदर हो, इन सबको भी समझने में चाइल्ड साइकोलॉजी क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, बच्चे नहीं कह पाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आप उन्हें डांट दोगे ना तो एकदम से आपको एकदम मायूस होकर देखने लगते हैं, एकदम भोलेपन से। तो ये सारी चीजें, ये फैक्टर्स हैं जो दिखा रहा है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका सबसे बड़ा दोस्त है? तो याद रखिएगा, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको किसी से लेना देना नहीं है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है, वो बच्चों पर क्या है, केंद्रित है, वो बच्चों को हमेशा इंपॉर्टेंट देता है। तो यहाँ पर लिखा है पहला ऑप्शन शिक्षक पर केंद्रित है, नहीं, छात्र पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी नाम से स्पष्ट हो रहा है, चाइल्ड साइकोलॉजी बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, तो हमारे छात्र पर केंद्रित है। पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर नहीं, विद्यालय के केंद्रित शिक्षा पर बिल्कुल गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट ऑफ, क्या कह सकते हैं, उनका बिहेवियर, डेवलपमेंट में आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। डेवलपमेंट में हम बच्चों का सारा ग्रोथ पढ़ते हैं। तो अब आप देखिए, इसे सबसे पहले इमेज के द्वारा समझने का प्रयास करिए। टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कह सकते हैं हम। अब बच्चे का विकास कैसा हो रहा है, देखिए ये छोटा सा बच्चा है, ये है आपका, जब बच्चे की अवस्थाएं पढ़ेंगे तो इसमें क्या आता है, बच्चा ये पूर्व बाल्यावस्था में है, अभी बच्चा छोटा सा है, शैशवावस्था, ये शैशवावस्था में है बच्चा। अब ये बच्चा का क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे का धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब बच्चा क्या हो रहा है, बाल्यावस्था से मतलब चाइल्ड से अब वो थोड़ा सा और बड़ा हो रहा है, अब ये बच्चा किशोर हो रहा है, किशोरा से वो यंग हो गया, यंग से बच्चा क्या हो रहा है, एडल्ट की ओर जा रहा है, एडल्ट से वो थोड़ा सा और बूढ़ा होता है, और ये आ जाता है आपका 60 प्लस का एज, जिसे हम क्या कहते हैं, ओल्ड एज या वृद्धावस्था कहते हैं। तो क्या करता है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी,
टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चों के विकास को समझने में पूर्णता हमारी मदद करता है। चाइल्ड साइकोलॉजी हमें समझाता है कि एक छोटा बच्चा जो माता के गर्भ में होता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, ये जब तक ये व्यक्ति, ये आपका वृद्धावस्था, इसके बाद बच्चा क्या करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चा जो धीरे धीरे इसका क्या हुआ, धीरे धीरे इस बच्चे का ग्रोथ हुआ और ये इस स्टेज में आ जाता है, तब तक इसका विकास होता है, तब तक हम चाइल्ड साइकोलॉजी के मदद से, तब तक बाल मनोविज्ञान के मदद से हम किसी बच्चे का विकास समझ सकते हैं। बच्चा, आप इवन गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आप किसी से दुश्मनी मोड़ ले रहे हैं, आप किसी का खून कर दे रहे हैं, आप किसी के साथ नैतिकता दर्शा रहे हैं, किसी के साथ दया दिखा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं पर हार जा रही, ये सारी चीज़ें आपका क्या है, बाल मनोविज्ञान का एक हिस्सा है। ये सारी चीज़ें हमें समझने में कौन हेल्प करता है, बाल मनोविज्ञान हेल्प करता है। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है तो वृद्धावस्था में जाते जाते जीवन के कई मोड़ से होकर गुजरता है, कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है, ऐसी लाइफ के कई एक्सपीरियंस होते हैं, तो ये क्या करता है, उन्हीं सबको समझने में हमारी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है आपका, बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां क्वेश्चन, एक वर्ड है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समझते चलेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, क्यों आया है मनोविज्ञान, आप लोग सोचिए। मनोविज्ञान को तो इसलिए लाया गया है ताकि हम बच्चों के व्यवहार को, उनके मन में जो बातें चल रही है उनको हम समझ सके, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन, बताइए। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या हो सकता है, आप लोग खुद सोचिए, इस चीज को नोटिस करिए। तो जो आपका आधुनिक मनोविज्ञान है वो क्या करता है, आपके व्यवहार का अध्ययन करता है। बिल्कुल, मन का तो अध्ययन करता है, लेकिन मन में क्या होता है, मन के जरिए ही तो आपका व्यवहार प्रदर्शित होता है। आपका व्यवहार, गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना, फिर हंसना, मुस्कुराना, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट रहना, ये सारी चीजें क्या आपके व्यवहार, आपके बिहेवियर को दर्शाती है, जो आपके मन में कभी कभी चलते रहती। तो क्या करता है आपका आधुनिक मनोविज्ञान, व्यवहार का अध्ययन है। अगर आपका एक हिसाब से आपका मन का अध्ययन भी सही है, व्यवहार का भी अध्ययन सही है, लेकिन कई एग्जाम में आपका क्या है, व्यवहार का अध्ययन को सही लिया गया है, तो आप आंसर डी पे जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन के माध्यम से भी आंसर, जो आपका एक्सप्लेनेशन है, उसे समझने का प्रयास करिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी या एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके माध्यम से क्या सही होगा, ये बताना आपको। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि बच्चे क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि क्यों ऐसा होता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि बच्चे के मन में कई सारे सवाल आते हैं, तो वो ज्ञान का क्या करें, सृजन करें, तो सही है। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है कि बच्चा कोरा कागज होता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चा कोरा कागज होता है, तो आंख बंद करके उसे गलत कर दीजिएगा, क्योंकि जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो बच्चा अपने ज्ञान के साथ आता है। वो घर में बहुत सारी चीज़ों को सीखा रहता है, वो बोलना सीखता है, वो उसके अंदर दया भाव भी आ जाता है, जाता है, हंसना भी आता है, रोना भी आता है, वो सारी चीजें सीख कर आता है, तो ये गलत बात है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, गलत बात है। अगर आप किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो तो आप उसे क्या करें, ज्यादा से ज्यादा दृश्य माध्यम से पढ़ाने का कोशिश करें, मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग हो। ज्यादा से ज्यादा बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करेगा, देखेगा, सुनेगा, बोलेगा, चीजों को कर देखेगा, गतिविधियों के माध्यम से करेगा, तो बच्चे को सीखने में कोई कष्ट नहीं होगा। सिखाने वाले को कष्ट हो सकता है, लेकिन सीखने वाले को कष्ट नहीं हो सकता, अगर सिखाने वाला अच्छा सिखा रहा है तो ये गलत बात है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, गलत बात है। मैं फिर वही चीज रिपीट कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप वो जो रटते हैं ना, वो रटंत आ जाता है, और हमारा जो बाल मनोविज्ञान है वो रटने वाली प्रणाली से क्या करता है, सख्त मना करता है, आप लोगों को गलत वो खारिज करता है कि आप रटंत विद्या को बिल्कुल कट ऑफ कर देता है। तो बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, तो ये गलत बात है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते चलेंगे। आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका,
चाइल्ड साइकोलॉजी में, क्योंकि हम देख रहे थे बच्चों का डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट का चाइल्ड साइकोलॉजी से क्या कनेक्शन है, ये समझ अभी देखिए कि डेवलपमेंट होता क्या है हम आगे की क्लास में। सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा कि डेवलपमेंट होता क्या, एक बेसिक देखते हैं। डेवलपमेंट या विकास ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, ये कभी नहीं रुकती, कंटिन्यू। जैसे ही जो बच्चा होता है माता के गर्भ में आता है, तब से लेकर आपका डेवलपमेंट मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। देखिए बच्चा क्या है, माता के गर्भ में है, यहां से बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होता है। कैसे शुरू होता है डेवलपमेंट, बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो रहा है, उसके हृदय का विकास हो रहा है, हाथ पैर बन रहे हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ये सारी चीजें। बच्चा माता के गर्भ में ही तो उसका बड़ा होता है ना बच्चा, उसका विकास होता है। बच्चा छोटा सा रहता है, फिर उसमें धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है। ऐसे देख सकते हैं आप, ये देखिए ये माता के गर्भ में है बच्चा, माता के गर्भ में है, तो देखिए आप इसका बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, विकास हो रहा है। माता के गर्भ में भी तो बच्चों का विकास हो रहा है ना, ये इस चीज को दिखा रहा है। तो माता के गर्भ से लेकर फिर बच्चा क्या करता है, जब माता के गर्भ से बाहर आता है तो उसका वृद्धावस्था तक विकास होता रहता है। तो विकास क्या होता है, कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, रुकती नहीं है। विकास की बात है तो विकास क्या होता है, सर्वांगीण होता है। मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीजें आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारा आपके क्या कर रहा है, डेवलपमेंट को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्या होता है, आपका विकास होता है। चलिए एक वर्ड यूज हुआ है वृद्धि के बारे में, क्या सही नहीं है। अभी तो हमने विकास का बात किया, अब ये वृद्धि कहां से आ गया। तो वृद्धि और विकास में एक छोटा सा डिफरेंस ये है, वृद्धि जो है वो आपका विकास का ही छोटा रूप है। वृद्धि क्या होता है, वृद्धि आपके शारीरिक विकास से सीमित होता है। आपका जो शारीरिक विकास होता है ना, एक वक्त आप छोटे से बढ़ते हैं, आपके मोटाई लंबाई वेट ये सब बढ़ता है ना आपका, तो ये क्या होता है, आपका वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है। लेकिन एक समय के बाद आपकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट आपका, जब तक आप मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपका डेवलपमेंट होता रहता है। चलिए क्वेश्चन है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, यहाँ नहीं है पूछा है, तो अभिवृद्धि शारीरिक होती है। हाँ, आपका जो ग्रोथ होता है वो फिजिकली होता है, बिल्कुल सही है, आपके शारीरिक विकास से संबंधित होता है वृद्धि। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि या अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, मात्रा, हाँ बिल्कुल मात्रा, आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वेट इसे आप माप सकते हैं ना, मात्रा में होता है, आप इन्हें देख सकते हैं, तो ये मात्रा में होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और हमसे क्या पूछा है, निगेटिव वर्ड पूछा है। अभिवृद्धि मापनी होती है, बिल्कुल आपको अपना लंबाई नापना हो तो आप नाप सकते हैं, वेट देखना हो तो आप वेट भी देख सकते हैं, तो ये भी सही है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये बिल्कुल गलत बात है। विकास जो है वो आपका जीवन पर्यंत तक चलने वाला क्या होता है, प्रक्रिया होता है। विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत तक चलने वाला होता है, लेकिन जो आपकी वृद्धि होती है वो क्या होती है, एक वक्त के बाद रुक जाती है और ये कंटिन्यू चलती रहती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिएगा, चलिए आज हम डेवलपमेंट तक ही देखते हैं। आज हमने देखा कि चाइल्ड साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है, हमने देखा कि चाइल्ड साइकोलॉजी का एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंट है, बच्चों के बिहेवियर में क्या इम्पोर्टेंट है, बच्चों के डेवलपमेंट में क्या इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, ये हमने देखा और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे। ठीक है, हम मिलते हैं कल अगली कक्षा में, थैंक यू। अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे, माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को, और जगह होगा कॉम्पिटिशन कम्युनिटी, मंगला चौक, बिलासपुर। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।